सिंह ग्रामर और फिर फरातेदार धारा प्रवाह इंग्लिश में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी पिछले बार पिछले क्लास में कुछ चेंजेज हुए, आज कुछ चेंज होंगे। इस प्रकार हम प्रतिदिन कुछ कुछ बदलाव लाते रहेंगे। हमारा जीवन का असली मूल मतलब यही होना चाहिए कि बदलाव हो, पॉजिटिव बदलाव हो, ठीक है। उसी दिशा में हमने पीपीटी इंट्रोड्यूस किया, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर सीखेंगे बड़ा ही मस्ती भरा और आसानी से, ठीक है। इसका हमने सेलियंट फीचर भी देख लिया, बड़ा ही आसान और रोचक तरीके से बताऊंगा। मस्ट रिमेम्बर पॉइंट जो कीवर्ड्स होंगे इसको आप लिखते जाइए, रियल लाइफ एक्सरसाइजेज के साथ बताऊंगा। कन्वर्सेशनल स्किल आपका इम्प्रूव होगा, कैसे, रीडिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से और स्पीकिंग से। हमारा ये वीडियो बेस्ड लर्निंग है, इंग्लो इंडिया लैंग्वेज में हम बात करेंगे। सेंटेंस हमने देख लिया कि जो कंप्लीट आउट दे, पूरा विचार देना कि आधा अधूरा दे, चैप्टर लेटर से शुरू होगा, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। वर्ड ऑर्डर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमने देखा था पिछले बार कि थोड़ा सा इज को लास्ट में कर दिया तो एक्सक्लेमेशन बन गया, है ना। तो प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए, जिसको कि मैं हर बार स्पेसिफिक सिंटैक्स लिखवाता हूँ हर टाइप में। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो मेन करता हुआ और प्रेडिकेट उसके बारे में जो हम बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, ठीक है। खुद से पूछें कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है, ये हम लोकेट कर लिए हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस हमने देखा पांच तरह का, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। ये सबका पूरा हम डिटेल में बता चुके हैं, है ना। तो आज बताने की जरूरत नहीं है सबका, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, ये सब हो चुका है, आपने नोट्स भी बना लिया होगा सब, है ना। यस सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या आता है? विशेष आते हैं, है ना। हमने समरी भी कर लिया कवर, अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके सबसे पहला है सिंपल सेंटेंसेज, बड़ा ही बेसिक, जो कि 4 या 5 स्टैंडर्ड के बच्चे खूब आराम से बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेज। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस 6-7 वाले बच्चे आराम से बना लेंगे। इसको इंटरमीडिएट लेवल में हमने रखा। बेसिक जो सिंपल सेंटेंसेज है, बेसिक आप लोग का ऑलमोस्ट थ्रू था, और हमने टेंस पढ़ाने के दौरान पूरे सिंपल सेंटेंस का खत्म कर दिया सिलेबस। अब हम कंपाउंड सेंटेंसेज सेकेंड फेज में है, इंटरमीडिएट में है। इसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, जो एडवांस कैटेगरी का है, इसको भी हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जैसा सर पहले ही कवर कर दिया। हाँ बोलिए। वो जो हेडिंग दी है टाइप ऑफ सेंटेंसेज, तो टाइप होगा या टाइप्स होगा? टाइप, टाइप, टाइप ही होगा, ठीक है। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंसेज। यहाँ सिंपल सेंटेंस की क्या करेक्टरिस्टिक है, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा, एक ही वर्ब होगा, एक ही मेन क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दिस इज ए राइट, दिस इज ए टेबल, इज फैट, इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हम बनाते हैं बेसिक, ये हो गया। एक एक से सब्जेक्ट होंगे, बेसिक से तो किसी को कोई डाउट नहीं है। वेस्ट, ये क्या हो सकते हैं? एफर्मेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव भी होंगे। इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं बेसिक में, है ना। हमने पहले ही कवर कर लिया पांच टाइप का सेंटेंस, कर लिया ना। हमने कवर कर लिया, ये जो सिंपल है किसी भी कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं, ठीक है। अगला है कंपाउंड सेंटेंसेस इंटरमीडिएट लेवल। इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट, आपस में आश्रित नहीं होंगे,
दो क्लाउज होंगे या मेन क्लाउज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज, और किसी कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइंट होंगे, जैसे एंड हो जाएंगे, बट हो जाएंगे, और ये दोनों मिलके एक कंप्लीट मीनिंग करेंगे। एक ही सेंटेंस में है तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो समानता होगा ना, कोई पूरब जा रहा कोई पश्चिम जा रहा, दो बच्चे के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं सेंटेंस के बारे में। यानी कि दोनों क्लाउज को मिला के, जैसे हम बात करते थे ना कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, मेरे जाने से पहले फ्लाइट निकल गई, ट्रेन छूट गई, ऐसे बनाते थे ना, ये सब क्या होता था, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये दोनों क्लाउज को मिला के एक ही मीनिंग को दिखाएगा, एक ही भाव को दिखाएगा। यू गोट इंज्योर्ड बट स्टिल बिहेवियर नॉट चेंज, आप क्षतिग्रस्त हो गए लेकिन तब भी आपके चाल चलन में, बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ देख रहे हैं बट इस्तेमाल किया गया है, उसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा, जो भी नक्षत्र बच्चा है ना, बच्चे हो जाते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, फिर भी वो शैतानी करते ही रहता है। द विलेजर्स आर पुअर, ये अपने आप में यहाँ तक क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना, द विलेजर आर, गांव के लोग गरीब होते हैं, ऐसा है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार होते हैं। गांव वासी गरीब होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, है ना, इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं, गांव वाले भले ही गरीब होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ क्या जुट गया, बट लग गया, तो बट एक कंजंक्शन, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी का कंपाउंडिंग हम कर रहे हैं, दो छोटे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं हम। यहाँ ये नहीं बोल रहे द विलेजर्स आर पुअर, बट विलेजर्स आर ऑनेस्ट, दो बार नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि भारी हो जाएगा, सिर्फ बट ऑनेस्ट, जबकि हम पूरा क्या कहना चाह रहे हैं, द विलेजर्स आर ऑनेस्ट, ऐसा एक इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन बट के द्वारा हम जोड़ दिए। बट के द्वारा यूजुअली निगेटिव सेंटेंस, जब निगेटिव भाव वाला आएगा ये होगा, जैसे पुअर है निगेटिव रख लीजिए, लेकिन ऑनेस्ट है पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव, जब दो असमान क्रेडेंशियल को जोड़ेंगे तब बट यूज होता है, और एंड होते हैं सेम वाले का। अब देखिए, ही स्टडीड वेल, वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, वेल मतलब होता है अच्छी तरह से, वह अच्छी तरह से पढ़ा, एंड ही स्टूड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन, वो अपने परीक्षा में प्रथम आया, उत्कृष्ट आया। यहाँ देख रहे हैं एंड जुड़ा है, कि किसके बारे में बोल रहा जरा, उसी के बारे में, यहाँ दो बार हमने इस्तेमाल किया, ही स्टडीड वेल एंड ही स्टूड, यहाँ ही लगा भी सकते हैं और कंपैक्ट बनाना है, जैसे हम लोग प्रेसी राइटिंग पढ़ते थे ना, 50 सेंटेंस का कोई है तो 10 सेंटेंस में करना है, उसको प्रेसाइज करना, आजकल जमाना तो रील का है ना, छोटे छोटे शॉर्ट देखते हैं हम लोग, 10 सेकंड 15 सेकंड का, अधिकतम बच्चों का बड़ों का भी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है ना, 10 से 15 सेकंड में जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। तो यहाँ ही नहीं आप जोड़िए, ही स्टडीड वेल एंड स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, वह परीक्षा अच्छा तरह से अच्छी तरह से अध्ययन किया और परीक्षा में प्रथम आया। वी आर लिविंग टूगेदर, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, हम लोग एक साथ रहते हैं, टूगेदर मतलब एक साथ रहते हैं, एंड वर्किंग इन द सेम ऑफिस, और एक ही कार्यालय में काम करते हैं। इसी में देखिए, वी आर लिविंग टूगेदर बट वर्किंग इन द डिफरेंट ऑफिस, जब डिफरेंट ऑफिस, यहाँ सेम ऑफिस है, दोनों सेम चीज ही कहने जा रहा, तो एंड हो गया, और डिफरेंट ऑफिस में अगर करना है तो फिर यहाँ एंड नहीं होगा बट हो जाएगा, ठीक है, ये सब कंजंक्शन का ध्यान रखना। एक ही यहाँ कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएंगे, लार्ज सेंटेंस होंगे, बड़ा सेंटेंस होंगे, ठीक है, कंपोजिशन होंगे, इसमें क्या क्या, एक प्रिंसिपल क्लाउज होंगे और एक या उससे ज्यादा सबोर्डिनेट क्लाउज होंगे। सबोर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, कि उसको कैसे
मदद करने वाला कौन है, इसको मदद करने वाला सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट स्टाफ बोलते हैं, मेन स्टाफ हुआ एक सबोर्डिनेट जो उसके काम में हेल्प किया, जैसे ऑफिस में कोई पानी लाने वाला है, कोई फाइल लाने वाला है, गेट बंद करने वाला है, किसी को रजिस्टर इधर से उधर लाने वाला हो, सब क्या है सबोर्डिनेट, उसको मदद कर रहा। तो इसी तरह से हमारे सेंटेंस जो है उनको भी मदद करने वाला क्लाउज होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में ही, सेंटेंस का छोटा भाई, छोटा क्लाउज समझ रहा है ना, एक वर्ड हो गए इंडिपेंडेंट, एक एक वर्ड, जैसे ये टॉप, ये चार वर्ड हो गए, लेकिन ये चारों मिलके एक सेंटेंस भी बना सकते हैं और एक क्लाउज भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और एक और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट या सबोर्डिनेट क्लाउजेज होंगे। इसका जो सबोर्डिनेट क्लाउज होंगे जो बाद में आएंगे उसको असिस्ट करने वाला, इस चीज पर निर्भर करेगा, मेन क्लाउज पर ही, उसी से कनेक्टेड होंगे, उसको करके मेन क्लाउज और सबोर्डिनेट क्लाउज को मिला के एक कंप्लीट मीनिंग लाएगा, ठीक है। तो ये सवाल है। अब यहाँ देखिए, द बर्गलर रैन अवे द प्लेस व्हेन पुलिस केम, पुलिस के आते ही जब पुलिस आई तो लुटेरा खाक खा हुआ। देखिए यहाँ दो है लेकिन दोनों मिलके एक ही चीज दिखाना चाह रहा है, वी वेयर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत ही खुश थे, एज, यहाँ देखिए कंजंक्शन एज आया, आवर फ्रेंड्स ब्राउट मेनी गिफ्ट्स फॉर अस, क्योंकि हमारे मित्र ने बहुत सारे सौगात हम सबों के लिए लाया, इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। दे रश्ड आउटसाइड, वो बाहर की ओर भागा, बिकॉज इट गॉट फायर इन द किचन, रसोई घर में आग लग गया, इसीलिए वे लोग बाहर की ओर भागे। सीता कुड नॉट स्टार्ट द टास्क, सीता काम को प्रारंभ नहीं कर पाई, व्हेन सी लेफ्ट इट, जब वो वहां से निकली, देखिए यहाँ वेन आया है कंजंक्शन की तरह, व्हेन सी लेफ्ट इट, जब वो छोड़ के निकली तब तक वो काम प्रारंभ नहीं की थी, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। अब यहाँ देखिए हमने क्या कवर किया, बेसिक कवर किया, सिंगल सिंगल ही होंगे, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस कवर किया इंटरमीडिएट में, यहाँ की दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सेंटेंस रहेंगे, कंपोजिशन रहेंगे, मैं तो छोटा छोटा लिया हूँ, और भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आता हूँ, वर्ड्स यूज फॉर ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट क्लाउजेज, अभी जो हमने देखा ना कि कैसे कोऑर्डिनेट करता, सबोर्डिनेट कैसे करते हैं, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो जुड़ते हैं, जुड़ के और उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस है जैसा कि हमने बताया, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लाउजेज को जोड़ता है, ये सिंपल, और जो कोऑर्डिनेट वाला है वो कोई जरूरी नहीं कि वो अपने आप में कंपाउंड वाला हो, सिंपल वाला भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स वाला भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी का हो सकता है, आप जैसा बनाना चाहते। तो कई तरीके हैं, वेरियस वे हैं, कई तरीके हैं कोऑर्डिनेट क्लाउजेज बनाने का, ठीक है। पहला देखिए यहाँ, आइदर और नाइदर नॉर एल्स, सुना ना ये सब, यस सर, ये सब क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन है, म्यूचुअली आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं और म्यूचुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, ही शुड स्टडी हार्ड और ही विल फेल, उन्हें कठिन अध्ययन, गहरी अध्ययन करना चाहिए या फिर फेल हो जाएंगे, या नहीं बोलेंगे, हिंदू में बोलते नहीं तो वे फेल हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए, नाइदर नॉट नाइदर माई फ्रेंड्स, ना तो मेरे मित्र, नॉर और ना ही माई रिलेटिव्स और ना ही मेरे संबंधी गण केम टू सी मी, मुझे देखने आए, मैं बीमार था जाओ, ना तो मेरे मित्र आए ना तो संबंधी गण आए मुझे देखने के लिए। ठीक है, यहाँ नाइदर नॉर इस्तेमाल हुआ। स्पीक आउट द ट्रूथ, सत्य बोलो, सही सही बोलो, एल्स वरना यू विल बी इन ट्रबल, वरना आपको तकलीफ होगा। अब आइदर और आइदर अंडर गो द सर्जरी और वेट फॉर द वर्स्ट, डॉक्टर बोलता है जब आप कोई ऐसा बीमारी लेके गए हैं तो बोलता है कि अब योग से नहीं होगा या मेडिकेशन से नहीं होगा, अब तो लीवर आपका ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है जब हम योगा वगैरह नहीं करते हैं, अपने दिनचर्या पर लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि या तो आप सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो सबसे वर्स्ट जो सिचुएशन है, सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या होता है जीवन का, कौन बोलेगा? हेलो, हाँ सर, बिस्तर पर बीमार पड़े रहना और दूसरे से सेवा लेना। यस जीवन का सबसे वर्स्ट, जीवन का सबसे वर्स्ट सिचुएशन होता है जब हमारी सांसें बंद हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर वहा ही प्यार से उस चीज का धमकी दे रहा है यहाँ। ठीक है, आइदर अंडर गो द सर्जरी, आप सर्जरी करवा लीजिए, वरना और वेट फॉर द वर्स्ट, जीवन का वर्स्ट क्या हो सकता है? मर जाना। हाँ, वर्ड नहीं बोलेगा ना, वर्ड बोल देगा तो पेशेंट भाग जाएगा ना, अगले बात जाएगा ना, बोलेगा मुझे ये कष्ट कर रहा है, कैसा डॉक्टर, मैं इसको फी भी दिया और मुझे कष्ट दे रहा। ठीक है, तो इस तरह से भाषा होना चाहिए कि पता भी न चले और जो बुद्धिमान है उसे पता भी चल जाए, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो वेट फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ आइदर और इस्तेमाल हुआ, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबोर्डिनेट को। अब इसमें आप देख लीजिए क्या किया, और पहली बार लगा, उसके बाद आइदर लगा, उसके बाद नाइदर लगा, उसके बाद एल्स लगा, चारों का एग्जांपल आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। अगला है यस, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज। ठीक है, एंड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो इतना ही नहीं और भी ज्यादा, एज वेल एज इसका मतलब भी और ही हुआ, यानी कि तीनों का मतलब और ही है। तो इससे हम क्या करते हैं, क्लॉजेज को जोड़ते हैं, ना कि वर्ड्स को, वर्ड्स को तो कैसे भी जोड़ सकते हैं, क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं हम। यहाँ कंपाउंड सेंटेंसेज में आ गए जहां आप वर्ड से बढ़ के क्लॉजेज की बात करें, ये सब क्या करते हैं, क्लॉजेज को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए कैसे, ही लेफ्ट द प्लेस एंड डिडंट इवन रिटर्न, वह जगह को छोड़ दिया और कभी लौटा नहीं, इवन मतलब कभी भी। ठीक है, इवन रिटर्न कभी लौटा नहीं। टैगोर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि ही नहीं थे, बट ऑल्सो ए फेमस लिरिसिस्ट, बल्कि वो एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, है ना, गीतकार भी थे, लिरिसिस्ट मतलब गीतकार, कोई गीतकार भी थे और कवि भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, किसने नाम नहीं सुना है, कोई यहाँ सबने सुना, नहीं सुना तो बोल, सब कोई सुना है सर, महात्मा गांधी को महात्मा का किताब उन्होंने ही दिया था, और महात्मा गांधी उनको गुरुदेव कहते थे। राधिका इज गुड इन एकेडमिक्स, राधिका क्या है, पढ़ने लिखे में, मतलब वो पढ़कू लड़की है, राधिका इज गुड इन एकेडमिक्स, कहने का मतलब क्या हुआ, राधिका जो है पढ़कू किस्म की लड़की है,
है ना, एज वेल एज इन पेंटिंग, सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं अच्छी है, पेंटिंग भी अच्छा करती है। यहाँ क्या आ गया, एज वेल एज, ठीक है, ये क्या है उसको और ज्यादा डेकोरेट करता है। ऐसा नहीं बोलेंगे राधिका इज गुड इन एकेडमिक्स एंड पेंटिंग, उसको थोड़ा सा और सम्मानित लग रहा जब हम एज वेल एज इन पेंटिंग बोल रहे हैं, तो है ना फर्क हो रहा। अब यहाँ देख लीजिए क्या किए थे हम, एंड लगाए और फिर इसको एज वेल एज लगाए। इसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो भी अप्लाई किया, तीनों को हमने देख लिया। अगला आते हैं बट इट स्टिल नेवरदनलेस, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर करके ही देख लेते हैं इसे करके। ये सब क्या करता है, अपोजिंग मीनिंग, हमने पहले बताया ना कि एंड में सेम मीनिंग होता है ना, लेकिन अपोजिट वाला दिखाना, जोड़ना भी और अपोजिट वाला, तो क्या करेंगे ये सब इस्तेमाल करेंगे। ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को लाता है और अपोजिट मीनिंग दिखाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, रुचि वेंट फॉर 3 डेज लीव बट डिडंट रिटर्न फॉर ए वीक। रुचि नाम की जो लड़की थी 3 दिन के लिए अवकाश पर गई, लेकिन 1 सप्ताह हो गया अभी तक लौटी नहीं। देख रहा ना कैसे कंट्रास्ट हो रहा, बट डिडंट रिटर्न, अगर समय पर आ ही जाती तो यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं था, नहीं लौटी वो समय पर। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, वो बेहतर मार्क्स लाया, प्राप्तांक, प्राप्तांक बोलते ना, उसे बेहतर प्राप्तांक मिले, तो भी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो भी वह संतुष्ट नहीं है। आजकल बच्चे देखते हैं ना, 10-12 के बच्चे होते हैं, उनको 92% 95% भी रहता तब भी मुंह ऐसे लटकाए हुए मिलते हैं, केवी के बच्चे या मैक्सिमम आजकल के बच्चे। हम लोग के समय जब हम बाल्यावस्था में, तो 75 जो आता था उसका पूरा स्टेट में नाम होता था, डिस्टिंक्शन बोलते थे 75 वाले को। आज किसी बच्चे को अगर 75 आ गया तो शायद उसके मम्मी पापा उस दिन उसको खाना नहीं देंगे, 10-12 वाले को, अगर 75 कोई लाता है, ऐसी बात है कि नहीं है। बच्चा लाया है तो फिर भोजन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल में भी, स्कूल में भी, अच्छा वहाँ भी प्रताड़ित लगता है वहाँ पे। और हम लोग के टाइम तो 75 मतलब एक आध बच्चा ही लाता था, डिस्टिंक्शन बोलते थे, सोने का मुकुट तो नहीं लेकिन लकड़ी पकड़ी का मुकुट भी पहनाया जाता था। सर हमको भी 75 से ज्यादा आता ही नहीं था, तो ये समय स्कूल में बोला जाता है, स्कूल में तो बोला जाता था 99% लाओ। हाँ है ना, तो यही बात है कि he scored good marks yet इज नॉट सेटिस्फाइड, वो अच्छा प्राप्तांक लाया इसके बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं है, इट को भी, ठीक है, बट का मतलब लेकिन और इट का मतलब तो भी। दीपक वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, नेवरदलेस ही अटेम्प्टेड द पेपर। दीपक परीक्षा के लिए तैयार नहीं था, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी ही अटेम्प्टेड द पेपर, यानी कि फिर भी वो एग्जाम के लिए अपीयर हुआ, ठीक है, नेवरदलेस मतलब तो भी, तब भी, ठीक है। यहां भी देखिए क्या कर रहा, निगेटिव को जोड़ रहा, अगर वो तैयारी क्रिया ही होता और परीक्षा जाता ही तब तो एंड हो जाता, I prepared well and I am going to attempt the exam and हो जाता, लेकिन nevertheless क्यों हो रहा, बिल्कुल contrasting है, बिल्कुल तैयारी नहीं किया फिर भी exam के लिए बंदा जा रहा, देखिए कितना confident है ना। More than a month has passed after surgery, जो surgery हुआ, शल्य प्रक्रिया हुआ उसके शरीर में, 1 महीना हो गया शल्य प्रक्रिया किए हुए, स्टिल तब भी इज नॉट कंप्लीटली वेल,
कंप्लीटली फिट, अभी भी वो पूर्णतः संतुलित नहीं है, ठीक है। इतना कंपाउंडिंग है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे बनाना है, तब हम अभी आज बताऊंगा। मोर देन ए मंथ हैज पास्ड, ठीक है, आफ्टर सर्जरी स्टिल तब भी सी इज नॉट कंप्लीटली फिट और कंप्लीटली वेल और कंप्लीटली हेल्दी, जो भी आपको लगे आप कर सकते। यहाँ आप देख लीजिए चारों सेंटेंस में हमने क्या किया था, एक में बट इस्तेमाल किया, एक में एट किया, एक में स्टिल किया, एक में नेवरदलेस किया, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ये सब इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगला है सो देयरफोर कंसिक्वेंटली, ठीक है। इससे हम क्या दिखाते हैं, कोई काउज है, कोई कारण है या उसका प्रभाव है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लाउज को फॉलो करता है, जो हम पहले बोल चुके हैं तब उसको फिर से उसी बात को और ज्यादा स्पष्टता लाना है, है ना, तब हम बोलते हैं कि सो देयरफॉर, इसीलिए ऐसा हुआ। इतना लंबा चौड़ा बोल देते हैं फिर बोलते हैं कि सो इस प्रकार, अब तुम समझ गया, या इसीलिए, या कंसिक्वेंटली, सबके बाद। पूनम वाज नॉट वेल तो सी डिड नॉट कम टू द पार्टी। पूनम तबीयत उसका खराब था, अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, है ना, स्वस्थ नहीं थी, तो इसी कारण इस प्रकार वो पार्टी में ज्वाइन नहीं की, पार्टी में नहीं आई। सो इस प्रकार, ठीक है, डैडी हैड ए मीटिंग स्टर्डे, मेरे पिताजी का कल एक बैठक था, बैठक में शामिल हुए थे, देयरफॉर ही केम लेट, इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए वो देर से आए, देर से पहुंचे। अंकित वाजे ब्रिलियंट स्टूडेंट, अंकित एक कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था, कंसिक्वेंटली इसी के कारण, इसी वश ही गॉट ए गुड जॉब, और इसी कारण से उसे एक अच्छा काम मिला, नौकरी मिला, है ना। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, कंसिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं आगे और आप सबों को मौका देते हैं, ना कि भगवत कथा, है ना, ये क्या है, इंग्लिश क्लास, ना कि भगवत। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर, मुझे एक सेंटेंस बताना था। अभी आऊंगा, अभी आऊंगा, आप लोग के पास ही आ रहा हूँ मैं, है ना। बारी बारी से आप सबों को आपकी प्रतिभा जो है, प्रतिभा को उभरना है ना, तो आएगा, जहाँ फॉल होगा वहां बोलिएगा, ठीक है, कहीं कहीं आपका फॉल होगा। हाँ चलिए, सिंपल सेंटेंस बोलिए, एक फटाफट बोलिए। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ओनली वन सब्जेक्ट, राम इज ए गुड बॉय। कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस और मेन क्लाउजेस ज्वाइंड बाय ए। सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल बोल के आप बस, फिर अगला पार्टिसिपेंट बोलेगा, एक एग्जांपल बोलिए फटाफट बोलिए। राम इज ए गुड बॉय, आप बोलिए, अगला बच्चे बोलते जाएंगे, बोलिए। सीता सोन इज सीता इज अ ब्रिलियंट गर्ल, हाँ, एक एक करके बोलते जाइए, बोलते जाइए फटाफट, सोनू इज अ जेंटलमैन। माय मॉम इज अ इंटेलिजेंट, ओ नहीं नहीं,
एंड इंटेलिजेंट लेडी, लेडी एक बुद्धिमान महिला है। मेरी माता श्री एक बुद्धिमान महिला है। कंपाउंड का कौन बोलेगा? बोलिए कंपाउंड का फटाफट, एक एक बोलते जाइए, गलती मत कर लो। सेंटेंस बोले बॉस। हाँ एक एक सेंटेंस, बस एक एक सेंटेंस। सी इज पुअर बट इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट 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 फटाफट फटाफट। शी इज रिच बट डिसऑनेस्ट। बिल्कुल नेक्स्ट। I am doing its exam and I passed. ठीक है, next हम आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। He is sad but he helps other. हाँ बिल्कुल। बोलते जाइए, आप बोलेंगे तो आपको अपने आप स्पोकन तो किताब से नहीं आएगा ना, वीडियो से नहीं आएगा, स्पोकन तो आता है बात करने से। बोलिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम आया, आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई। देखो रोल नंबर मैं बता देती हूँ, आकाश फर्स्ट है, सेकंड आयुषी है, थर्ड ये है, अदर्स है और फोर अनुष्का है। ठीक है, अनुष्का गुड गर्ल है इसलिए उसको फोर कर दी हूँ। अब बीच में कोई अनम्यूट नहीं करना, वन बाई वन बताना। ठीक है, यस का आवाज नहीं आया वो निकल गया। ठीक है बोलो, कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बोलिए एक एक करके फटाफट। तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं है, कोई और बताइए। कॉम्प्लेक्स का ले लीजिए, ले लीजिए। अभी मैंने इतना हां दे दे के बोला। नहीं सर, वो छूट गया था गलती से, कॉम्प्लेक्स लाइट कट गया था ना, कॉल आ गया था इसलिए छूट गया था। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बोलिए, नेक्स्ट पार्टनर बोलेगा। कौन बोलेगा? We were very happy. As my friend gave me my birthday gift. ठीक है, और कोई बोलेगा? अंजनी कुमार। नहीं पता। नहीं पता क्या? स्क्रीन में तो आ रहा कौन सा, मैं आपको याद करने बोल रहा हूँ। स्क्रीन में सब कुछ एग्जांपल हमने दे दिया, कैसे बनता है ये बता दिया, उसको देख के उसको फॉलो करके बताइए। जो सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट यूज किया, जैसे गीता सीता किया, आप मोहन कर लीजिए, आप खुद को कर लीजिए। हमने बोला ना आई वी यू ई सी ईच दे, कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी नाम जो दिमाग में आ रहा है वो इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ कुछ काम किया, कुछ और वर्ब आप इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। श्याम श्याम कुड नॉट स्टार्ट द टास्क व्हेन सी लेफ्ट इट। श्याम लड़का ही सॉरी ऐसे क्या पता हो सकता, श्याम नाम की लड़की फ्री हो जाए। श्याम नाम रख सकते हैं ना, आजकल कुछ नाम रख सकते हैं ना। सर ये भी हो जाएगा ना, एक एक करके बोलिए बोलिए। द ट्रेन इज पास्ट फ्रॉम स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। क्या बोलना चाह रहे सर? मतलब जब स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन चली गई थी। अगर ट्रेन स्टार्टेड लेफ्ट, हाथ बोल रहे हैं लेफ्ट, पास्ट मतलब लेफ्ट। द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड,
बिफोर आई रीप यल्ले फुकर है ना. यस सर ये बी We were very sad as our friends didn't bought any gift for me, for us. बिल्कुल सही. अब हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेज बनाएंगे. ठीक है, चार हमने बोला. चलिए एक एक करके इसका दीजिए एग्जाम्पल. ये हटा देता हूँ. बोलिए बोलिए इसका. यस जी बोलेंगे. यस पास्टर. He is neither working, nor मैं बोलना चाह रहा था कि ना तो वो काम करता ना ही किसी और को करने देना चाहता. He is neither working, not allowing others to work. Others to work. इसी तरह से बोलिए. गलती सलती बोलिए, कोई बात नहीं. इतना ज्यादा गलती सलती बोलेंगे आपको उतना ज्यादा सीख रहे हैं. जब शर्माएंगे कि बाकी बच्चे क्या समझेंगे, टीचर क्या समझेंगे. यहाँ 800 करोड़ आदमी है, एक टीचर है, दो चार बच्चे हैं. इतना जान भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा मेरी वास्तविक स्थिति. जान भी गए तो क्या हुआ. बाकी के लिए तो मैं कपाल करके दिखा दूंगा. तो शर्माने का नहीं, सीखने में कभी शर्माते. जो बच्चा सीखने में शर्माता है सीखने में धीमा पड़ जाता है. आप बोलिए नेक्स्ट. फटाफट फटाफट बोलिए नेक्स्ट. आवाज नहीं आ रहा. He should study hard, still he will pass the exam. इसका देन मान लिया, स्किल नहीं होगा यहाँ, देन होगा तभी. ठीक है, जम के पढ़ेगी तभी पास होगी. देन ओनली, ठीक है, स्किल नहीं. ऐसा बोल सकते हैं, डिनर इज रेडी स्टिल आई एम हेयर. इट इज 9:30 स्टिल आई एम इन हाउस. आपका 10 बजे से क्लास है, 45 मिनट का आपका कम्युनिकेशन आवर है ना, अभी भी देर है, तब बोल सकते हैं स्टिल आई एम हेयर. ठीक है, नेक्स्ट. इसका कौन बोलेगा. बोलिए बोलिए फटाफट बोलते जाइए, तब मैं आपको अगली यात्रा में ले जाऊंगा. बोलिए आकाश. सर आकाश इज गुड इन एकेडमिक्स एज वेल एज इन डांसिंग. बिल्कुल सही है. सेल्स का कौन बोलेगा. यहाँ तो एज वेल एज मैं लाया नहीं था, यहाँ तो एल्स पूछ रहा हूँ मैं. एल्स टी एल एस सी. स्क्रीन दिख रहा आप लोग को. यस सर. एल्स वर्णा, हिंदी में बोलते हैं वर्णा. वर्णा तुम फेल हो जाओगे, सुधर जाओ. Go away from here, else I will beat you. बिल्कुल. Improve your lifestyle, else you will fall sick. नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे. अपने जीवन शैली को सुधारें, वरना बीमार पड़ जाएंगे, है ना. प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, एल्स यू विल हैव लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज. ठीक है, वी मस्ट बी इन थिएटर बाय 6, एल्स वी विल मिस द बिगनिंग. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो गए चारों. सर एक सेंटेंस में बताओ. हाँ बोलिए बोलिए. चिराग शुड ही विल पे.
फिर से नहीं सुनाई दिया है। चिराग शुड स्टडी हार्ड और ही विल फेल। इसी तरह से एंड नॉट ओनली बट आल्सो इन माय लाइफ। फटाफट आप लोग बोलिए। आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर, बना रहे हैं सेंटेंस। एंड तो बड़ा ही सिंपल है। यस सर। हाँ, मी एंड माय फ्रेंड आर गोइंग टू पार्क। Not only but also. Ram went for 8 days leave, but did not return for 2 weeks. He is not only director but also producer. He is Manoj Tiwari. क्या है? Manoj Tiwari पर बनाइए. Not only but also. मनोज तिवारी इज नॉट ओनली सिंगर बट ऑल्सो एन आर्टिस्ट। किशोर कुमार क्या था? सर किशोर कुमार ये गायक भी था और सिंगर भी था। यस सर, है ना। किशोर कुमार वाज नॉट ओनली एक्टिंग, वाज नॉट ओनली सिंगिंग बट आल्सो एक्टिंग। फिल्म में काम भी करता था, है ना। फिर उसके पिक्चर भी आते थे, दोनों काम करता था ना। यस सर। और आप वाजपेयी जी पर बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज नॉट ओनली पॉलिटिशियन बट आल्सो ए पोएट। ग्रेट पोएट, एक ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट। उनका शौक था कवि, इतना लच्छेदार बोलना उनका शौक था, है ना। जी सर, जी सर। सर, ही वाज नॉट ओनली सैड बट आल्सो एंग्री। सर कुमार विश्वास इज नॉट ओनली पॉलिटिशियन बट आल्सो ए पोएट। अ पोएट, बिल्कुल सही। एज वेल एज का क्या हो जाएगा? इज रीडिंग एज वेल एज लिसनिंग द म्यूजिक, है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, 24 आवर इधर कुछ लगा के रखते हैं। मुझे तो पता नहीं क्या लगा के रखते हैं। वो बच्ची भी लगा रखी है कुछ, आयुषी भी लगता लगा रखी है कुछ। सर ये वाला लगा रखते हैं। सर ये हेडफोन्स हुआ, ये नेक बैंड हुआ, और जो आयुषी लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? वो एयरपॉड्स। आजकल बच्चे क्या क्या लगाते हैं, अब हम लोग तो बुजुर्ग आदमी, हमें तो पता नहीं लगता क्या क्या। You have invited Akash in meeting as well as Yash Bhatt. तो हम लोग क्या करते हैं? ये काम भी करते हैं और वो काम भी करते हैं, है ना? वो काम भी करते हैं। इसके साथ साथ, जिसमें साथ साथ रहे। उसकी विशेषता को और बताए और निखार लाए, है ना? वाओ, क्या लिखती हूँ। कौन है भाई? But it still never ready as well as dishonest. चलिए इसका बोलिए next। फटाफट आप लोग एक एक sentence बोलिए, आप बिल्कुल शुरू हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचेगा। Still until,
बट बहुत आसान है, आसान और से शुरू कीजिए बट। कोई अनम्यूट होके नहीं बोल रहा, कोई म्यूट में ही बोल रहा है, क्या कर रहे हो बच्चों? बता रहे हैं I like him but he don't like me. He doesn't. He doesn't. He doesn't. हाँ he doesn't like me. हमारे टीचर होते थे ना कान को ऐसे बड़े प्यार से ऐसे करते थे कुछ क्या बोलते हैं इसको? कान मोड़ना। अमेरना 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 सब सब बिहारी सब कान 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 चलता क्या बोलते थे कान सर अमेरना बोलते थे या घुमाना कान एक चार इस तरह का जब प्यारा मिस्टेक करते हैं ना जी सी एच के साथ तब ठीक है ये ब्लंडर होता है। चलिए एटर एटर स्टील का बोलिए ही सीता स्कोर्ड मार्क्स येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही गेट टू He is yet to cover more than half syllabus, है ना? अभी आधा साल से ज्यादा हो गया, अभी आधा से ज्यादा syllabus बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ, yet to cover, है ना? Sir, एक sentence बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। Akash went to for one week. Akash went for 7 days leave but didn't turn for a month. Still का बोलिए। Still तो भी। I have mailed you last yesterday. Still I am waiting for your response. हाँ बिल्कुल। और imperative sentence हमने बात किया था पिछली बार। स्टैंड स्टिल बिल्कुल सीधे खड़े रहो है ना हम लोग योग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कोई भी एक्सरसाइज योगासन जब प्रारंभ होता है तो उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल ऐसा नहीं सोते सोते कुछ कर लिए एक नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं स्टैंड स्टिल एक कमांड है ऑर्डर है ना नेवरदलेस ही इज नॉट स्टडीइंग वेल Nevertheless, very intelligent. वो ज्यादा पढ़ता नहीं है परिश्रम नहीं करता है लेकिन कुशाग्र बुद्धि वाला है कई बच्चे होते हैं ना हमारे बीच पढ़ता कम है लेकिन अच्छा मार्क्स लाता है ना तो इस तरह से सर लेकिन कैसे चोरी नहीं वो जिसका मेमोरी पावर तेज होता है ना वो कम टाइम पढ़ के भी अच्छा मार्क्स कर लेता है और जिसको रटंतु होता है वो 8 घंटा भी पढ़ेगा फिर भी उसको नहीं होगा ये है बात है ना अच्छा अच्छा नहीं वो एक बात कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए सही बात है जब हम स्मार्टली पढ़ते हैं मनमोहन सिंह वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर But nevertheless, powerful ruler. जब हम स्मार्टली पढ़ते हैं स्मार्टली का मतलब ये हुआ कि हमें क्या नहीं पढ़ना है किस चीज पर ध्यान नहीं देना है ठीक है जब डोंट पर हम करने कमांड कर लेते हैं तब स्मार्टनेस आ जाता है हमारा पढ़ाई में सपोज हम पढ़ रहे हैं और कुछ और ध्यान है साथ में ध्यान चल रहा है लिख रहे और ध्यान कहीं और है क्लास अटेंड कर रहे हैं और ध्यान कुछ और है कि क्या खाए कहाँ जाना अगला क्या करना है मुझे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक है आप लोग को कायदे से क्या करना चाहिए माइंडफुल लिसनिंग करना चाहिए लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पूछूं मैं क्या बताऊं तो ये फिर स्मार्टनेस गुम हो गया स्मार्टनेस का मतलब हुआ जहां जो कर रहा वो डूब गया तो कम्प्लीटली उसके सेरिब्रम में जाएगा वो स्टोर हो जाएगा तो कम ही देर पढ़ेगा तो उसे ज्यादा समझ में आ जाएगा ज्यादा याद हो जाएगा मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ते तो आते हैं लेकिन पीछे से उसके दिमाग में कुछ और चलते रहता मुझे वो ऐसे बोल दिया मुझे वो लेना था देना था करना था कुछ कुछ राम कहानी पीछे में चलते रहता है तो जो राम कहानी को साइलेंस कर देगा ठीक है उसी को स्मार्टनेस बोलते हैं हाँ बोलिए
जैसे कि मैंने इंग्लिश के एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क यूज किया और सेम वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया, तो इजीली पढ़ाई भी हो गई और मार्क्स भी गेन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे हमने रिसर्च किया अगला जो लास्ट वाला है ये देख लेते हैं। तो देयरफॉर और कंसिक्वेंटली, ये कौन बताएगा? एक एक करके सब बताइए, छोटा छोटा सेंटेंस ही बोलिए। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, वहां भी शो करते हैं, है ना? वहां तो हर इसे लाइन के बाद चुकी ऐसा हुआ, चुकी ऐसे हुआ, चुकी ऐसे हुआ, है ना? यस सर। हेंस हेंस देयरफॉर सो मैथमेटिकल खूब यूज होते हैं। यस सर। सेंटेंस बताना था सो पर। I decided to go to beach. So I decided to go to the beach. So I went along a water's edge. बिल्कुल। My parents worked hard. Therefore, we are in comfortable situation. हमारे माता पिता ने कठिन संघर्ष किया, इसीलिए हम लोग आज बड़े ही सुविधाजनक स्थिति में हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे चारों कंजंक्शन। अब मैं आज न्यू इंट्रोड्यूस करता हूँ आप सबों को। कितने चार बच्चे हैं टोटल? एक वर्ड बोलूंगा, इस पर आप लोगों को पांच पांच सेंटेंस बोलना फटाफट इम्प्रोम्प्टु। ठीक है, इम्प्रोम्प्टु का मतलब होता है तुरंत ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट किया और आपको बोलना है। क्या गलत सलत नहीं है वो मैं जज करूंगा। हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, पांच सेंटेंस बोलिए फटाफट बोलिए। ही वर्क हार्ड, बोलते जाइए कंटिन्यू। गलत होगा नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे गलत होगा क्या क्या गलत होगा, बोलते जाइए कंटिन्यू। ज्योग्राफी इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट। बस ट्रेवल इज हार्ड जर्नी। हार्ड वर्क मैं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, यानी कि उसके बारे में बोलना है। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क बोला तो आई मस्ट वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, अच्छा अच्छा, मोहन वर्क हार्ड, समझ रहे? ऐसे लिखना है पांच लाइन में, उसके बारे में बोलना है। वो जरूरी नहीं कि बार बार हार्ड वर्क यूज ही हो। ठीक है, अच्छा, उसके इर्द गिर्द बोलिए फटाफट। I work hard, so I achieve my achievement, and इस तरह से कीजिए। We must work hard, else we will not succeed in the life. You should also work hard, else you will fail in life. The person who is working hard is getting higher position in his career. So, if you want a better future, start from today working hard. समझ रहे हैं? Impromptu, जो भी मर्जी में आ रहा, दिमाग में रखिए कुछ बात। जब भी हम बात करें सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोच रखें। ठीक है, अपने आप अपना भलाई सोचें, लोगों का भी भलाई सोचें, कुछ ऐसा दिमाग में तीन हमेशा रखें। और अपने आप आपके भाव जो है, भाव अगर ऐसा दिमाग में रहेगा तो भाषा भी अपने आप उसी प्रकार निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट कौन बोलेगा वर्क हार्ड के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में? सर चेन्नई। सीता वर्क्स हार्ड, बट ही डिडंट गेट एनी पॉइंट इन द गेम। साइंस इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। We must work hard, so
So we passed any task. It is impossible to reach the height of success without hard work. चलिए अब मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है? अब सीधा हम काफी कुछ कर चुके हैं, अब हम कंपाउंड लेवल में आ गए हैं, लगभग एडवांस लेवल आप कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग अगले दिन लिख के लाइएगा, ठीक है? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है? To work regularly with devotion is called hard work. Hard work means regularity and consistency. अब ये सबको हिंदी में भी बताते जाऊं या काफी है? इतना तो आ गया, हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है ना? नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि अब तो इतना लेवल आ चुका होगा, है ना? बच्चे की बात ही, क्योंकि इंग्लिश ही क्लास है ना लास्टली। It is always believed that one who works hard is the master of destiny. Master of destiny का मतलब बोलते हैं ना उसका भाग बड़ा अच्छा है। Yes sir, नहीं, master of destiny बोलते हैं उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। Yes sir, master of destiny जो काम करता है कठिन परिश्रम, master of the destiny, इसे भाग्य अच्छा है। Hard work, work brings out the gem hidden in a person. अगर हमारे अंदर gem का क्या हिंदी होता है? Gem का एक हम लोग जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं ना, वो भी एक तरह का हीरा, हीरा जेम को हीरा कर सकते हैं, ठीक है? तो हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवार्डेड, जो हार्ड वर्क करता है उसको कहीं ना कहीं पहचान मिलता है। हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवार्डेड, हम लोग कई बार कठिन परिश्रम नहीं करते हैं कि कौन देख रहा है, कौन पहचान रहा है, कौन सराहना कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जरूर रिवार्ड मिलेगा, हमें स्किल कला कौशल विकास होगा ना। कोई थोड़े रुपया दे दे नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दे दे, जरूरी नहीं है, है ना? Try if you fail, अगर आप फेल भी हो रहे हैं तब भी वर्क हार्ड सिंसियरली, सिंसियरली आपको मेहनत करना, यू विल सक्सीड। नो वन कैन सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, हो सकता है था बिना कठिन परिश्रम के कोई सफल हो सकता है? नहीं सर। यू कैनॉट टॉप द क्लास विदाउट वर्किंग हार्ड इन योर स्टडीज। आप ऐसा चाहें कि मैं कुछ भी पढ़ूं भी ना और क्लास में भी टॉप हो जाऊं, होगा संभव? नो सर। आस्क द स्टूडेंट हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो आपके क्लास में पहले या प्रथम किया उससे पूछिए, भले वो नटखट है तो बोले अरे कुछ नहीं होता है, अपना मस्ती करो, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके रूटीन को देखिए, तब पता चल जाएगा कि ये कैसे प्रथम करता है। उसके एटीट्यूड को अध्ययन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता लगेगा कैसे ये प्रथम होता है, है ना? उसके बाद ही विल टेल यू अबाउट क्लास। बस अंतिम एक लाइन और बता देता हूँ, अरे बच्चे भी आ ठीक है, लास्ट कीजिए। बस लास्ट, द मोर यू वर्क सिंसियरली एंड इंस्पिरेशन गिव यू सक्सेस, ठीक है? द मोर यू वर्क सिंसियरली एंड रेगुलरली मोर सक्सेस यू विल गेट। जितना ज्यादा आप कठिन परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा सफलता आपको आएगी।
रहेगी, सफलता की चरण भूमि ही। देर ये प्रोवर्ब एक कहावत है, 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन गिव यू सक्सेस। परस्पिरेशन मतलब खींचना और इंस्पिरेशन, मैं अभी प्रेरित कर दे रहा हूं आपको, बहुत सारे ग्रंथ पढ़िए, उसका असर कितना होगा? सिर्फ 1%। 99% किसका? परस्पिरेशन का। आपको पसीना बहाना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने आप सबों को आज बताया, अगला क्लास में फिर आएंगे और इसी तरह से ये सिलसिला चलेगा। इम्प्रोम्प्टू कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट हम देंगे और आप लोगों से उम्मीद करेंगे, आज मैंने जो अपना स्पीच दिया, एक सैंपल प्रस्तुत किया कि आप पॉजिटिव क्या क्या बोल सकते हैं हार्ड वर्क। इसी तरह से छोटा छोटा मैं टॉपिक दूंगा और आप सब बोलिएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर, नो सर। चलिए, शुभ रात्रि। नहीं डाउट, कहते हैं ना, जो पसीना से ना आता है, जो पानी से ना आता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से ना आता है वो इतिहास बदलता है।